दोस्तों अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं ना तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा, नहीं तो आपको नुकसान देगा। और इस चीज़ को जो है अगर आप ध्यान में रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप ही को फ़ायदा मिलेगा। ये कौन सी बात है ये मैं जो है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप एक ब्लॉगिंग के फील्ड में आना चाहते हैं, एक ब्लॉगर हैं, तो ऐसे में ये वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एजेंट पॉइंट। देखिए दोस्तों, एक्चुअली क्या है कि मैं रियलिटी बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है और ये सबके साथ होता ही है, क्योंकि ये जो है छुपा हुआ चीज़ नहीं है और सबके साथ ऐसा होता है, सबके अगल बगल जो है ऐसे लोग रहते ही रहते हैं। क्या हुआ ये बात, देखिए अगर आपके पास एक ब्लॉग होगा, अभी आप ब्लॉग सेटअप कीजिएगा और शुरुआती दौर में तो आपको तो यही होगा कि तुरंत एकाएक ट्रैफिक जो है बहुत आना नहीं शुरू होगा, किसी न किसी को आपको बताना पड़ेगा, चाहे सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए या डिफरेंट डिफरेंट मेथड से जो है ब्लॉग पर जो है ट्रैफिक लाइए, जो कि डायरेक्ट ट्रैफिक रहेगा, सर्च इंजन से तुरंत तो नहीं आएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि जो नए ब्लॉगर रहते हैं, जो नए ब्लॉग के फील्ड में, ब्लॉगिंग के फील्ड में या वेबसाइट सेटअप करते हैं, वो क्या करते हैं कि तो अपने दोस्तों को, जो दोस्त उनको जानते रहते हैं, उनको कहते हैं भाई ये मेरा वेबसाइट है, इसको खोल के देख लेना। तो शुरू शुरू में क्या होता है कि आप बता देते हैं कि अरे मैंने वेबसाइट सेटअप किया है, इससे पैसा अर्न होगा, ये होगा वो होगा, सारा कुछ बता देते हैं। अब वो आपसे जलने लगता है और क्या होगा, आप जो उसको लिंक शेयर कीजिएगा वो लिंक देखेगा भी नहीं, जबकि उसके काम का है। उसके पास अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो वो आपको कहने आता है कि भाई ये प्रॉब्लम आ गया है, इसको सॉल्व कर दे। तो आप क्या करते हैं कि डायरेक्ट न बोल करके वेबसाइट पर वो सारा स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देते हैं, कहते हैं भाई इसको देख लेना, इस पर सारा स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस में दे दिया वहाँ पे। क्या करेगा वो, नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि आपको अर्निंग ना हो जाए, आप जो है सक्सेसफुल ना हो जाइए। ये होता है दोस्तों, उनको जो है ये लगने लगता है कि अरे यार ये घर बैठे बैठे जो है ये जो है वेबसाइट बना लिया है, अब इससे अर्निंग करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो भी सर्च करेगा इंटरनेट पे, ऐसे ऐसे होता है, उसको भी जानकारी थोड़ा बहुत रहता है। तो ये सबके साथ होता है और मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे साथ क्या हुआ, 2013 में जो ये techaj.com मेरा वेबसाइट है, इससे पहले बहुत सारा वेबसाइट मैं सेटअप किया और बहुत सारा चीज़ सीखा, मिस्टेक किया, गलत किया, और इसके बाद जो है फाइनली जो है techaj.com वेबसाइट हुआ, इसके बाद जो है सीरीज बन गया और सब ब्लॉग आ गया। तो क्या हुआ वहाँ पे मैं बहुत सी सीखा। क्या सीखा, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो सीखा ही सीखा, इसके साथ जो है मतलब अपने समाज में क्या चल रहा है, लोगों के माइंड में क्या चलता है, आपके प्रति क्या सोचता है, ये भी सीखा। मेरा बहुत अच्छा खासा दोस्त था कॉलेज लाइफ में, वो दोस्त जिसको मैं बताता था कि भाई देख ये मेरा वेबसाइट है, वो बोलता था भाई मैंने तुम्हारा वेबसाइट खोला, मैंने देखा बहुत अच्छा है, लेकिन दोस्तों बिलीव मानिए वहाँ पे मैं एनालिटिक कोड लगाया हुआ था और वहाँ पे कोई ट्रैफिक ही नहीं आया। सोचिए कि शुरू शुरू में मैं जान रहा हूँ कि गूगल से डायरेक्ट ट्रैफिक तो आएगा नहीं, एनालिटिक कोड लगा चुका हूँ, अगर एक लोग जो मेरा दोस्त है वो भी विजिट करेगा तो एटलीस्ट एक विजिटर तो होगा, लेकिन वहाँ पे कोई विजिटर ही शो नहीं कर रहा था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो बोल तो रहा है आपके सामने हाँ भाई वेबसाइट मैं आपका देख लूँगा, लेकिन उसके दिमाग में ये चल रहा है कि आप सक्सेसफुल हो जाइएगा, आपका वेबसाइट मतलब कि अच्छा खासा पोजिशन पर आ जाएगा, उसके कारण वो सोच उस टाइप का वो रखने लगता है, इस कारण से वो विजिट नहीं करेगा। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, आपके पास व्हाट्सएप में ग्रुप होगा, जब सभी को बता दीजिएगा तो ऐसे में वो लोग जो है जब जान जाए कि नहीं आपका वेबसाइट हो, तो में भी चांस बनता है 80-90% कि वो आपका वेबसाइट नहीं खोलेगा। अगर आपका बहुत ही क्लोज रहेगा तो वो जो जानता रहेगा आपके पास जो है ये वेबसाइट है, आप जो है ये मेथड से अर्न कीजिएगा, तो नहीं खोलने वाला है। हाँ अगर थोड़ा सा दूर का है, वो नहीं जानता, जान भी गया चलिए खोए, मतलब उसके अंदर क्यूरियोसिटी रहता है, देखे कि इसका वेबसाइट है कैसा है, वो खोलेगा। और दोस्तों बाद में मैं क्या सोचा कि अरे यार छोड़ो इसको जो है एक 5, 10, 20, 100 लोगों को मैं कहूँगा, लेकिन अगर मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है इस पर वर्क करूँगा तो फिर पूरे दुनिया से लोग आना शुरू कर देंगे। मेरा हिंदी ब्लॉग है तो हिंदी ब्लॉग में मतलब पूरे इंडिया से लोग आना शुरू कर देंगे, तो क्या ज़रूरत है 5 लोग को कहने का, 10 लोग को कहने का, उसको कहने की जरूरत नहीं। और इसके बाद मैं छोड़ दिया, फिर मैं क्या किया वहाँ पे SEO पे काम करना शुरू किया, और बिलीव मानिए दोस्तों बाद में जो है कुछ ऐसा भी वेबसाइट जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, वो जो है मेरे पोर्टल पर आए, साइनअप किए, अपना नाम सारा डिटेल्स सही सही, मैं जान रहा हूँ कि यही बंदा है, अपना प्रोफाइल पिक्चर तक लगाए, और अगला शख्स जान रहा है कि वो कहीं अलग साइनअप किया है, लेकिन मैं जान रहा हूँ कि ये मेरे वेबसाइट पर साइनअप किया है, मेरे से रोज़ बात करता था, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि वो मेरे वेबसाइट का यूजर है, ऑलरेडी वो यूज कर रहा है। यही होता है दोस्तों। तो ऐसे में आप ब्लॉगिंग के फील्ड में है तो चलिए बहुत अच्छी बात है, नॉलेज को शेयर करना चाहिए, मैं तो बता ही रहा हूँ, लेकिन आपके साथ ये घटना हो सकती है, तो ऐसे में मैं यही कहूँगा
कि आप जो है जब भी ब्लॉग सेटअप करें, वेबसाइट सेटअप करें और आप चाहते हैं शेयर करना, तो ग्रुप में शेयर कीजिए, लेकिन कभी ये मत बताइए कि आपका ब्लॉग है। हाँ, कुछ अच्छा खासा जब मतलब ट्रैफिक आना शुरू हो जाए, विजिटर आना शुरू हो जाए, तो फिर इसके बाद बता दीजिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है, वो विजिट करेगा तो भी, नहीं विजिट करेगा तो भी। ये कुछ बातें थी और ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज़ें जिसके बारे में मैं आपको जो है वीडियो बना बना करके जो आपके साथ शेयर करूंगा। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अच्छा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।